हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली रेडमी ने अपना नोट 11 सीरीज़ को कर दिया है कंफर्म। 9th ऑफ मार्च इसको लॉन्च किया जाएगा। अमेजन के ऊपर इसका लैंडिंग पेज भी निकल के आ चुका है एंड लैंडिंग पेज से कुछ चीज़ों के बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल चुका है, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल स्पेसिफिकेशन साथ में जानेंगे, प्राइसिंग, रेडमी नोट 11 सीरीज़ के अंदर कितने स्मार्टफोन हम लोगों को देखने को मिलेगा, सारी डिटेल इसी वीडियो के अंदर अब लोगों को पता चल जाएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले और हर रोज़ मिल पाए। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना, आपकी एक लाइक से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ बनाने के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों, ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हो चुका है रेडमी की तरफ से एंड मनु कुमार जैन की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करके इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि 9th ऑफ मार्च रेडमी की तरफ से हम लोगों को रेडमी नोट 11 सीरीज़ की इंडियन वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों को दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, एक होगा रेडमी नोट 11 प्रो 4G और एक होगा रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। गाइस यहाँ पे 4G स्मार्टफोन जो है ना, इसके अंदर हम लोगों को मीडियाटेक की तरफ से 100% कंफर्म हो चुका है G96 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा, हीलियो G96। और इसी के साथ साथ जो 5G वेरिएंट है ना, इसके अंदर हम लोगों को जो है स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन अब जो है ना ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि रेडमी नोट 11 सीरीज़ के अंदर जो प्रो 4G एंड 5G दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा, 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रो के अंदर हम लोगों को क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे प्रो प्लस 5G के अंदर हम लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एडिशनल वही सेम सिमिलर अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो डेप्थ वगैरह एंड मैक्रो देखने को मिल जाता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में अगर बातें करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.67 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास बॉडी डिज़ाइन के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बातें करें इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को 5000mAh बैटरी के साथ 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जाएगा, बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, MIUI 13 यूज़र इंटरफेस के साथ हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। हर टाइप का नेसेसरी सेंसर इस फोन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। इसी के साथ साथ डुअल सिम प्लस HD कार्ड का सपोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक USB टाइप सी पोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। फोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, पतला स्मार्टफोन है और ऊपर से यहाँ पे हम लोगों को फुल्ली ग्लास बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो हाथ में लेने के बाद ना काफ़ी प्रीमियम लगेगा रेडमी नोट 11 सीरीज, चाहे वो 4G कह लो या तो फिर 5G का। इस चलिए अभी बातें करते हैं रेडमी नोट 11 प्रो 4G एंड प्रो प्लस 5G की प्राइस के बारे में। 9th ऑफ मार्च इसको लॉन्च किया जाएगा, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। एंड अगर प्राइस के बारे में बातें करें ना, तो रेडमी नोट 11 प्रो की प्राइस हम लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है 18,000 से लेकर 19,000 के अंडर में। और अगर प्रो प्लस 5G के बारे में बातें करें तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को 21,000 से लेकर 23,000 के अंडर में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है रेडमी नोट 11 प्रो 4G एंड प्रो प्लस 5G के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।